इसका मतलब है वो न्यूज सही थी। शायद यही वो डंकनी चुड़ैल है जिसके बारे में न्यूज छपी थी। डंकनी उन पर नजर रखी हुई थी। मुझे यकीन नहीं होता कि नितिन हमारे बीच नहीं है। उस टाइम रियान कैंटीन में बैठा हुआ अपने दोस्तों के आने का इंतजार कर रहा था। उसके सामने टेबल पर न्यूज़पेपर रखा हुआ था जिसको पढ़ते हुए वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। थोड़ी देर बाद उसका इंतजार खत्म हुआ और बाकी के दोस्त नितिन, रिधिमा, आर्यन और श्वेता कैंटीन के अंदर आए। सभी उससे आकर मिले और फिर बैठकर बातें करने लगे। यार, तुम लोगों ने आज का न्यूज़पेपर देखा? बड़ी इंटरेस्टिंग खबर छपी है। अच्छा, ऐसा क्या छपा है? अरे जो सीतापुर हाईवे है ना, जिससे होते हुए हम हर बार अपने आउट हाउस जाते हैं, उसके बारे में खबर छपी है। सीतापुर हाईवे पर 5 किलोमीटर दूर अंदर जाने के बाद राइट साइड में एक कच्चा शॉर्टकट रास्ता पड़ता है। वहाँ के घने जंगलों में एक काफी पुराना त्रिशूल पाया गया है, ये देखो। कहकर रिहान ने सबको न्यूज़पेपर में छपा त्रिशूल दिखाया और फिर आगे की खबर पढ़ने लगा। कहा जाता है कि ये त्रिशूल कई सालों से इसी तरह जमीन में गड़ा हुआ है और पास के गांव वालों का कहना है कि इस जंगल में डंकनी नाम की एक चुड़ैल घुमा करती है और उसी के लिए त्रिशूल वहां पर स्थापित किया गया था और इसी वजह से डंकनी उस जंगल की सीमा से बाहर नहीं निकल पाती, लेकिन रात में वो इस जंगल में अपना शिकार ढूंढती फिरती है। तो क्या ये खबर सुनकर तेरा इस बार आउट हाउस जाने का प्लान कैंसिल है? नहीं यार, बल्कि इस बार तो और मजा आएगा। उनकी कार उस सुनसान जंगली इलाके से गुजर रही थी। नितिन ड्राइव कर रहा था और उसके बराबर वाली सीट पर रिहान बैठा हुआ था। आर्यन, श्वेता और रिधिमा बैक सीट पर थे। यार नितिन, थोड़ा फास्ट ड्राइव करना, जिस टर्न के बारे में न्यूज छपी थी वो आने ही वाला है, वहां से प्लीज तेजी से कार आगे बढ़ाना। यार रिधिमा, वो न्यूज फेक थी, उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वैसे भी हमारा रास्ता उससे अलग है। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि सामने रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ गिरा पड़ा है। और राइट साइड में वही रास्ता जा रहा है जिसके बारे में न्यूज छपी थी। ओह नो यार, ये पेड़ तो बहुत बड़ा है, इसको तो हटा भी नहीं सकते, चलो वापस चलते हैं। क्यों? अरे ये रास्ता बंद है लेकिन दूसरा रास्ता तो साफ है ना। लेकिन यार ये वही रास्ता है जिसके बारे में न्यूज छपी थी। सुनकर सभी लोग हंसने लगे और फिर नितिन बोला, चलो कोई बात नहीं यार, देखते हैं क्या होता है। कहकर उसने उस रास्ते पर कार लगा दी। वैसे नितिन, तूने इस रास्ते पर कार तो ले ली है, लेकिन ये रास्ता वहाँ जाने के लिए ठीक तो है ना? कहीं ऐसा ना हो कि हम बीच रास्ते में ही अटक कर रह जाएं। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरी कैलकुलेशन कहती है कि ये आगे चलकर हाईवे पर जरूर निकलेगा, उसके बाद तो बस 1 घंटे के अंदर हम अपने आउट हाउस पर होंगे। हाँ, अगर डंकनी रास्ते में मिल जाए तो लेट हो सकते हैं। सुनकर सभी हंसने लगे। नितिन ने कार की स्पीड बढ़ा दी और वो 45 मिनट के अंदर जंगल के काफी अंदर तक पहुंच गए। तभी अचानक पता नहीं कहां से लाल साड़ी पहने हुए एक औरत ऊपर से बोनट पर आ झपटी, जिसका भयानक रूप देखकर सभी बहुत डर गए। और उनके मुंह से चीख निकल पड़ी। वो बोनट पर अपने चारों हाथ और पैर जमा कर बैठी थी। उसकी आंखें बिल्कुल पीली चमक रही थी और लंबे लंबे खुले बाल हवा में लहरा रहे थे। वो भयानक आवाज में हंसी
और अपने हाथ से विंडस्क्रीन तोड़कर ड्राइव कर रहे नितिन की गर्दन पकड़ ली। नितिन ने स्टीयरिंग संभालने की कोशिश की, लेकिन उनकी कार तेजी से एक पेड़ से जा टकराई। ऐसा करने से वो कार से गिर गई और कार के बोनट से धुआं निकलने लगा। जल्दी से बाहर निकलो, कार ब्लास्ट हो सकती है। सुनकर सभी डरकर कार से बाहर निकले। कौन थी वो भयानक चुड़ैल और अब अचानक से कहां गायब हो गई? इसका मतलब है वो न्यूज सही थी। शायद यही वो डंकनी चुड़ैल है जिसके बारे में न्यूज छपी थी। तुम लोगों को ये रास्ता लेना ही नहीं चाहिए था। अब हम फंस गए हैं ना, हमारी कार भी खराब हो गई। हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? हिम्मत रखो श्वेता, हम यहाँ से जिंदा निकलेंगे। बस सब साथ साथ रहना। सब के सब मरोगे। ये आवाज सुनकर सभी चौंक पड़े। अब उनके पास वहां से पैदल निकलने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। दिल में डर और आंखों में खौफ लिए वो एक साथ आगे बढ़ रहे थे। डंकनी उन पर नजर रखी हुई थी और ऊपर ही ऊपर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते हुए उनका पीछा कर रही थी। उनको कभी हंसने की आवाज आती तो कभी चिल्लाने की, जिसको सुनकर वो डर जाती और थकान होने के बावजूद भी अपने कदमों को नहीं रोक पाती। अब डंकनी उनसे आगे निकल गई और एक पेड़ की डाली पर बैठकर अपने पैरों को हिलाते हुए उनके करीब आने का इंतजार करने लगी। जैसे ही वो सभी उस पेड़ के ठीक नीचे पहुंचे, डंकनी तेज शोर करते हुए नितिन पर झपटी। बचाओ! नितिन के मुंह से चीख निकली और बाकी सब उस डायन को देखकर चीख पड़े। डायन नितिन के कंधों से लिपटी हुई थी और उन सभी को देखकर भयानक तरीके से मुस्कुरा रही थी। नितिन उससे छूटने के लिए इधर उधर झपट रहा था, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी। नितिन! कहते हुए रिहान जैसे ही उसको बचाने आगे बढ़ा। रिहान उसका पंजा खाकर दूर जा गिरा और फिर डंकनी पीछे से ही नितिन का गला दबाने लगी। अगले ही पल उसने नितिन का सर पकड़ा और उसको दो तीन झटके देकर उसकी गर्दन शरीर से अलग कर दी। ये खौफनाक मंजर देखकर सभी की चीख निकल पड़ी और डंकनी उन सभी को देखकर भयानक अंदाज में मुस्कुराने लगी। भागो, जल्दी से निकलो यहाँ से, रिहान ने कहा और जमीन से उठकर उनके पास पहुंचा। फिर वो चारों हक्के बक्के होकर वहां से भागने लगे। डर के मारे उनको पता भी नहीं था कि वो किस तरफ भाग रहे हैं। उनको बस उस डंकिनी की पहुंच से दूर निकलना था, लेकिन ऐसे कब तक वो भागते रहते? घंटों तक भागने के बाद एक एक कर सबकी हिम्मत टूटने लगी।
फिर एक जगह बड़े से पेड़ के पास रुककर सभी निठाल होकर जमीन पर घुटने टेक कर सांस लेने लगे। मुझे यकीन नहीं होता कि नितिन हमारे बीच नहीं है। कितनी खौफनाक डायन है वो, उसने नितिन को कितनी बेरहमी से मारा। सब हमारी गलती है, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। जिस पेड़ के पास रुककर वे सांस ले रहे थे, उसी पेड़ से बहुत ही धीमी रफ्तार से डंकिनी किसी छिपकली की तरह उतरती हुई नीचे आने लगी। बाकी सबने उसको देखकर चीख मारी, लेकिन श्वेता उसको देख ना पाई क्योंकि पेड़ की तरफ उसकी पीठ थी। श्वेता, वो तुम्हारे पीछे है, वहां से हटो। सुनकर जैसे ही श्वेता ने ऊपर देखा, वो डायन उस पर झपट पड़ी। उसकी पीली आंखें श्वेता की नजरों से मिली और वो उसको देखकर चिल्ला उठी। उसकी चीख सुनकर बाकी लोग उसके करीब जाते, इससे पहले ही डंकिनी ने श्वेता के मुंह में हाथ डालकर उसकी जुबा पकड़ी और एक झटके के साथ उसके मुंह से बाहर खींच डाला। ये खौफनाक मंजर देखकर सभी खौफजुदा हो गए, वह थर थर कांपने लगे और एक दूसरे को संभालने लगे। कोई नहीं बचेगा, कहकर उसने श्वेता की आंखों में अपने नाखून मारे और उसकी आंखें भी फोड़ डाली। श्वेता की खौफनाक मौत के बाद उनके डर की कोई सीमा नहीं रही। वे तीनों फिर से डरी हुई हालत में पागलों की तरह वहां से भाग खड़े हुए। भागो बच्चों, भागो। वे तीनों भागते रहते और जब भी उनको डंकनी की हंसने की आवाज आती तो उनके दिलों की धड़कनें और ज्यादा बढ़ जाती, लेकिन अब रुकने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। फूली हुई सांसें, बढ़ती हुई धड़कन और दिल में उतरा खौफ उनको उनके कदमों को रोकने की इजाजत नहीं दे रहा था। काफी देर तक भागने के बाद उनको सामने कोई चमकती हुई चीज नजर आई और उन्होंने अपने कदमों की रफ्तार तेज कर दी। थोड़ा आगे और जाने पर पता चला कि वो वही त्रिशूल था जो कि न्यूज़पेपर में छपा हुआ था। वो भागते भागते काफी थक भी गए थे और उस त्रिशूल को देखकर उनको समझ आ गया कि यही उनको बचा सकता है। वो उसके करीब पहुंचते उससे पहले ही डंकनी ने रिहान और आर्यन पर हमला कर दिया। रिधिमा को पता था कि वो उनको अकेले बचा नहीं सकती। वो त्रिशूल के पास भागी और उसको जमीन से निकालने की कोशिश करने लगी। इस टाइम डंकनी ने दोनों का गला पकड़ा हुआ था। फिर उसने रिहान के घुटने पर अपना पंजा मारा और उससे खून आने लगा। उसने रिहान को घायल करके एक तरफ धक्का दे दिया और फिर आर्यन के पेट में अपने नाखून मार कर उसे खत्म कर दिया। अब तेरी बारी है बच्चे, कहते हुए वह चेहरे पर भयानक मुस्कान लिए चारों हाथ पैरों के बल धीरे धीरे रिहान की तरफ बढ़ रही थी। रिहान खड़ा नहीं हो सकता था, लेकिन दर्द के मारे तड़पते हुए धीरे धीरे रेंगते हुए उससे दूर जाने की कोशिश कर रहा था। रिधिमा को अब होश आ चुका था। रिधिमा अभी भी त्रिशूल को निकालने में लगी हुई थी, लेकिन वह जमीन में बुरी तरह फंसा हुआ था और मुश्किल से बाहर आ रहा था। अचानक डंकिनी ने रिहान पर भी हमला कर दिया। वो रिहान का गला दबा रही थी
और अपनी लंबी जुबान को उसके चेहरे पर फिरा रही थी। उसको पता था कि रिहान फंसा हुआ है, इसलिए उसका शिकार वो थोड़ी मजे लेते हुए कर रही थी। हे भगवान, इसको निकालने में मेरी मदद करो। कहते हुए रिधिमा ने त्रिशूल को निकालने में अपनी सारी ताकत लगा डाली। नहीं, नहीं। चिल्लाते हुए उसने गुस्से भरी निगाहों से रिधिमा की तरफ देखा और रिहान पर से उठ खड़ी हुई। दूर हट उससे, दूर हट। कहते हुए वो तेजी से रिधिमा की तरफ भागने लगी और अब रिधिमा बहुत ज्यादा डर गई, लेकिन उसने त्रिशूल निकालने की कोशिश जारी रखी क्योंकि उसको पता था कि अगर अब उसको अपनी जान बचानी है तो हिम्मत से काम लेना ही पड़ेगा। कुछ ही सेकंड्स के बाद त्रिशूल निकल गया, लेकिन इस तरह झटका लगने से रिधिमा जमीन पर गिर पड़ी। उसने त्रिशूल को कस के पकड़ रखा था। डंकनी दूर से ही रिधिमा के ऊपर झपटी। वह रिधिमा के ऊपर कूदना चाहती थी, लेकिन रिधिमा ने हिम्मत करके चिल्लाते हुए त्रिशूल को उसके तरफ हवा में उठाया। रिधिमा को छूने से पहले त्रिशूल उसके सीने में अंदर तक घुस गया और वो त्रिशूल के बल ही ऊपर हवा में रुक गई। उसके मुंह से खौफनाक भयानक चीखें निकलने लगी। रिधिमा ने त्रिशूल छोड़ दिया और फिर खुद को संभालते हुए खड़ी हुई। डंकनी जमीन पर गिर और त्रिशूल को अपने सीने से निकालने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे ही उसने त्रिशूल को छुआ उसके हाथ जलने लगे और फिर तड़प तड़प कर मरने के अलावा अब उसके पास कोई चारा ना बचा। रिधिमा भाग कर रिहान के पास गई और उसको सहारा देकर खड़ा किया। फिर जब उन दोनों ने डंकनी की तरफ देखा तो उसका अस्तित्व उनके सामने ही खत्म होने लगा। उसका शरीर काला पड़ गया। कुछ ही मिनटों में वो बिल्कुल खत्म हो गई। और उसका सिर्फ कंकाल जमीन पर पड़ा रह गया। वह त्रिशूल अब भी उसके सीने की हड्डियों में फंसा हुआ हवा में ऊपर उठा था। अब वो हमेशा इसी तरह इसके सीने में लगा रहेगा और अब वो जंगल इस डंकनी के खौफ से हमेशा मुक्त रहेगा।